फिलहाल तो ये सारी खिलौने की दुकानें और बाजार जैसा है। यहाँ से सीधा वो गेट दिख रहा है, वो मंदिर का है, तो वहीं जाके सीधा अंदर मंदिर है, वहीं पे दर्शन वगैरह होता है। तो चलिए, ये सीधा मंदिर है, यहाँ से सामने दिख रहा है माता जी का मूर्ति है, तो वहीं पे दर्शन करना होगा। अंदर बंद है, कैमरा अलाउड नहीं है। फिलहाल ये पीछे दिख रहा है वो मंदिर है, और वहाँ पे दर्शन करके हम आ चुके हैं। यहाँ पे दर्शन किया है, इसलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये मंदिर। यहाँ पे दर्शन करके आ चुके हैं, तो फिलहाल अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और आप सीधा गाड़ी में जाकर मिलते हैं आपको। ये अब सीधा चलते हैं गाड़ी में और आपको मिलते हैं सीधा हाईवे पे। फिलहाल तो अभी निकल चुके हैं बैसा जी से, और विरमगाम हाईवे पे आ चुके हैं। तो अभी तो फिलहाल बजे है 5:18 हुई है, तो अभी फिलहाल 3-4 घंटे का रास्ता है, तो आप बने रहे हमारे साथ। अभी फिलहाल विरमगाम हाईवे है, फिलहाल तो अभी विरमगाम हाईवे पे है। तो फिलहाल अभी विरमगाम कुछ ही देरी पे होगा। यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा हनुमान का स्टेचू है, इसके अंदर देखिए रहा हनुमान जी का स्टेचू। देखिए हाईवे पे आता है हनुमान जी का स्टेचू। यहाँ पे रुके थे अब सुसु ब्रेक के लिए, तो फिलहाल सुसु कर लिया है, तो अभी थोड़ी देर में ब्रेक होकर चलते हैं आगे। फिलहाल चलिए, फिलहाल तो अभी विरमगाम पहुँच चुके हैं। देखिए विरमगाम सिटी, हम बाईपास निकल जाएंगे, सिटी में एंटर नहीं होगी। ये विरमगाम आ चुका है, अब करीब 0.5 किलोमीटर होगा, ये सब विरमगाम ही चालू हो चुका है। तो फिलहाल अब विरमगाम बाईपास करके आपको मिलते हैं। फिलहाल तो अभी यहाँ रुके थे थोड़े ब्रेक के लिए, और अभी यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ से करीबन 100 या 110 किलोमीटर बाकी होगा, तो अब आपको हाईवे पे चल के, अभी अंधेरा हो चुका है, देखिए। फिलहाल तो अभी बगोदरा पहुँचने वाले हैं, देखिए बगोदरा हाईवे आ चुका है। अब यहाँ से सीधा भावनगर वाला हाईवे लेंगे, और वहीं से कट लेके सीधा सारंगपुर वाला हाईवे पकड़ लेंगे। तो आप देखते रहे, अभी तो कुछ दिखाने लायक है नहीं, रात में कुछ दिखता है नहीं। तो फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, अब मिलते हैं सीधे कहीं पर रुकते तब मिलते हैं आपके साथ। फिलहाल तो अभी आ चुके हैं यहाँ पे CNG फिल करवाने के लिए, तो यहाँ पे CNG फिल करवाते हैं, फिर आपको मिलते हैं आगे जाके। देखिए ये है CNG पंप, तो यहाँ पे CNG फिल करवाते हैं। बहुत सारी गाड़ियों की लाइन है, अब नंबर आ जाए तो आगे जाके जो फूड मॉल है वहीं जाके सीधा खाना खाएंगे, तो वहीं जाके आपको मिलते हैं। चलो आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल तो अभी आ चुके हैं ग्लोब्स, जो फूड मॉल है वहीं पे। तो फिलहाल जो मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये सब फूड मॉल है, यहाँ पे कैफ़े वगैरह सब कुछ है। तो यहीं पे कुछ लेंगे, कुछ खाएंगे थोड़ा, और कॉफ़ी वॉफ़ी लेके निकल जाएंगे यहाँ से। और अब थोड़ा ये आधे घंटे का रास्ता है, तो आपको मिलते हैं। फिलहाल तो अभी खाना खा के आ चुके हैं हाईवे पे, तो फिलहाल अब सीधा वही सारंगपुर जाके मिलेंगे, क्योंकि अभी कुछ रात को अंधेरा है, दिखाने लायक कुछ है नहीं। तो फिलहाल अभी वही जाके आपको मिलते हैं। फिलहाल तो अभी आ चुके हैं सारंगपुर, देखिए ये सामने दिख रहा है व्हाइट हाउस, तो उसके अंदर जाएंगे। मंदिर तो अभी बंद हो चुका होगा, क्योंकि अभी तो 11 बज चुके हैं। तो फिलहाल अंदर जाते हैं, देखिए आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल तो अभी रात के 12 बजने वाले हैं, और 12 बजे यहाँ पे टेटा फूटेगा, पटाखा फूटेगा, वो हम दिखाएंगे आपको, तो आप बने रहे हमारे साथ। और अभी तो हम फिलहाल आ चुके हैं सारंगपुर, देखिए वो पीछे दिख रहा है, यही ये दिख रहा है वो धर्मशाला है, उसमें ठहरेंगे। और उसके बाद जो पटाखा वगैरह 31st है तो फूटेंगे 12 बजे, वो दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी 12 बज चुके हैं, और यहाँ पे पटाखा फूटना चालू हो चुके हैं, तो फिलहाल अभी हम दिखाते हैं आपको पटाखा फूटे वो,
के लिए हमारे साथ, और वो आपको व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं दिखाता हूँ आपको फटाके, और उसके बाद व्लॉग को ख़त्म यहीं पे, और अब मिलेंगे कल के व्लॉग में। हो रहा है छोटे बॉय, I'm